उपायुक्त कार्यालय के सामने पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की भुक्तभोगी जनता राशन के सवालों पर जल्द एकत्रित होंगे। हमारे विधानसभा प्रभारी जल्द करेंगे जनता को आवेदन के साथ करेंगे अपील। उपायुक्त को लूट के बारे में अवगत कराएंगे। आज सुबह मोहनपुर के ग्रामीण के युवा बुजुर्ग महिलाओं ने भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा को मोहनपुर पंचायत राशन में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए बुलाया गया। श्री सिन्हा ने कहा, जनता राशन डीलर से परेशान है। तीन राशन डीलर हैं, कुंती महिला समिति, कोलेश्वर हजाम, नुनवा चौड़े। इन लोगों के द्वारा PMGKAY के तहत आने वाला राशन केवल चार बार देने के बाद बंद कर दी गई। डीलर प्रत्येक बार दो दो बार और कभी कभी चार बार भी अंगूठे का निशान लगाया जा रहा। कारण कोई जानना नहीं चाहता है, तो एक बार गेहूं एक बार चावल का है। ज्यादा कुछ बोलने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी देते हैं। एक को तो फंसाया भी है। ग्रामीणों की शिकायत है कि प्रति माह समय पर राशन नहीं देना, राशन देते समय रसीद नहीं देना। कोई कार्डधारी किसी महीने राशन नहीं ले जाते तो अगले महीने में राशन नहीं देते हैं डीलर। इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को कई बार किया गया, किंतु अधिकारी भी इस लूट पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा गिरोह कार्य कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इस पंचायत की महिला भी त्रस्त है, आवाज कोई नहीं सुनता। सरकारी तंत्र को कई बार लिखित दिया गया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। माले आंदोलन को बाध्य होगा। श्री सिन्हा ने कहा कि उपायुक्त खुद इस पर पहल करे जांच में। साथ साथ सिन्हा ने कहा कि अनाज लुटेरे होशियार, बात ऐसा है कि जनता माले को मुश्किलों में बुलाती है, याद करती है, यही बड़ी बात है। श्री सिन्हा ने कहा कि माले को अपना बनाए, माले 24 घंटे जनता के साथ है। बैठक की अगुवाई घनश्याम पंडित, प्रदीप शर्मा कर रहे थे, जबकि अमित राणा, कृष्णा राणा, छोटू साव, सुजीत राणा, गुड्डू वर्मा, वीरेंद्र कुमार वर्मा आदि के साथ दर्जनों महिला मौजूद थे। तीन गोटा के जन के राशन कट गया है, दूध जन के मिलता है, और बटखरा भी कम है और चावल भी कम हो जाता है, दो साल से राशन मिलना। मोहनपुर पंचायत का डीलर साहब के यहाँ गए तो राशन फिंगर लेता है, दो बार तीन बार फिर भी नहीं देता है। दो बार गए वापस घुमा दिया, फिंगरप्रिंट लेने के बाद अपना सोचते हैं कि पीला कार्ड बनाए उनका, और जो राशन में कार्ड अलग बनाए, सब कुछ कुछ नहीं बात विचार किया। राशन कार्ड में दो महीना भी एक बार दे रहा है, और उनको ब्लॉक में गाय चाहिए, कॉलोनी चाहिए, और कुछ चाहिए, घर धसा हुआ है, उन पर कोई विचार नहीं है। आज झंडा मैदान में भाकपा माले के द्वारा रांची में जो बीजेपी नेत्री द्वारा जिस प्रकार से आदिवासी महिला के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, उसको उसके विरोध में हम लोग एकत्रित हुए थे और भाकपा माले की तरफ से विरोध प्रकट किया गया। साथ ही साथ जो अंकिता कांड के जो हत्यारे हैं, अंकिता कांड में जो दोषी हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए थे आज। मोहनपुर पंचायत में लगभग तीन डीलर हैं, और तीनों डीलर जो हैं कई सालों से हम कह सकते हैं कि राशन देने में बहुत गड़बड़ी महसूस है। ऐसा लगता है जैसे अपना घर से राशन दे रहे हैं, और उसी सिलसिले में भाकपा माले को शिकायत की गई थी, और जैसे ही शिकायत हुआ हम लोग एक दिन समय लेकर यहाँ पहुँचे, और शिकायत में हम लोगों ने महिलाओं से, चाहे यहाँ के जो जेंट्स हैं, सभी लोगों से बात किया, और बात करने के दरमियान में लगा कि ऐसा मतलब कि एक तरह से बॉसगिरी, दादागिरी, हेकड़ी वो सारा नजर आता है, जबकि प्रतिनिधि का घर यहाँ बगल में है। और आपको ज्ञात होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी पूरे गिरिडीह में एक तरह से लीड करती है, लेकिन तमाम जगहों पे, पूरे गिरिडीह विधानसभा की बात करें तो हर जगह राशन का प्रॉब्लम है, हर जगह खा जा रहे। देखिए, डीलर एक छोटा पार्ट है, जो खाने का है वो डीलर एक छोटा पार्ट है, इसमें कई लोग मिले हुए हैं। भाकपा माले एक एक को पर्दाफाश करेगा। हम चाहते हैं कि जिस इलाके में आज मोहनपुर पंचायत में ऐसा प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि हर एक जगह पे ऐसा प्रॉब्लम है, तमाम लोगों से कहना चाहते हैं भाकपा माले को याद करें। भाकपा माले ही एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटा 365 दिन, चुनाव है तो भी, चुनाव नहीं है तो भी आपके साथ में है। महिलाओं ने